सो अभी हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर हेड कर चुके हैं, और ये है नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है शातलाई मंदिर। यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी की रोटियाँ, और जो वो स्टोरी है ना कि बाबा बालकनाथ जी की रोटियाँ निकलेंगी निकलती हैं और जितनी भी लस्सी है वो सारी निकलती है, ये वो वाला मंदिर है। और यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं, दार्शी मम्मी और पापा के साथ फोटो खींचती है, तो बड़ा उनको बड़ी खुशी होती है यार। यहाँ पता नहीं हैप्पी बर्थडे क्यों लिखा हुआ था। सो ये मंदिर का थोड़ा थोड़ा व्यू है, काफ़ी ज़्यादा कम लोग थे यहाँ पे और भीड़ भी नहीं थी यहाँ पे। बस हम अपना फ़ोटो शूट करके ख़त्म हुए थे, फैमिली फ़ोटो शूट। अब यहाँ पे खाने पीने की तैयारी हो रही थी भाई, नेक्स्ट मतलब छोटा मोटा चुरक पुरक ले रहे थे। सो यहाँ पे दार्शी आयुषी के पीछे पीछे जा रही थी, जैसे जैसे आयुषी बोल रही थी वैसे वैसे कर रही थी, क्योंकि दार्शी को अपने कुरकुरे जो चाहिए थे आयुषी से। बड़ा मज़ा आया यार, बड़ा फनी सीन था ये, इसको देख के तो हमें बड़ी हंसी आई। एंड में दार्शी ने आयुषी से कुरकुरा ले ही लिया और चली गई गाड़ी में खाने के लिए, पर इसको पता नहीं था कि हम सब यहीं रुक के रहे हैं। लग रही है पर खाना जरूर है। बोतल कहाँ है? बोतल बोतल तो चली गई पापा की गाड़ी में। हाँ नहीं करती शेयर किसी के साथ, नानी को नहीं दो? नानी ने तो एक भी नहीं खाया। नानी को दे दो, फ्रूट खाते हैं नानी। नानी फ्रूट खाते हैं मम्मी। मैंने बोला था ना कि नानी फ्रूट खाती है, तभी तो इतनी ब्यूटीफुल है। मैंने बोला नानी को नहीं, नानी को नहीं, तू तो कहती नहीं नानी फ्रूट खाते हैं। लो जरा लेते जाओ ना कुछ। मिकू भैया आपको ट्रैवल करके कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, मैंने ड्राइविंग की, अब मैं रेस्ट मोड पे जा रहा हूँ, बैक सीट और शायद सो भी जाऊँ। ओके चलो। वीरेश आपको कैसा लग रहा है? आयशी बंद करना म्यूजिक। हाँ वीरेश आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ये देखो हमारे पास लॉट्स ऑफ कैंडीज। आई एम द डीजे हियर। इसको यूएसबी लगाएं। बाबा डीजे।